नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आप सबका मेरे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी कंपनीज के बारे में जहां पे आप एज ए पाइथन डेवलपर अप्लाई कर सकते हो, या फिर जहां पे पाइथन डेवलपर से रिलेटेड बहुत ज्यादा जॉब्स देखने को मिलती है। या फिर मैं भी जब एज ए पाइथन डेवलपर किसी भी कंपनी में अप्लाई करता हूं तो वो कौन कौन सी कंपनीज होती हैं मोस्टली, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको उन सब कंपनीज के बारे में बताऊंगा। आई नो कि कितना ज्यादा डिफिकल्ट होता है जब आपके पास कुछ ऐसे स्किल सेट होते हैं जो कि उस कंपनी में रिक्वायर्ड नहीं होते, जो कि आपकी ड्रीम कंपनी है या फिर ऐसी कंपनीज को आप ज्वाइन करना चाहते हो। मेरे केस में भी ऐसा बहुत ज्यादा देखने को मिलता था। जैसे कि अगर मैं वॉलमार्ट में अप्लाई करने को जाता था तो मुझे वहां पे पाइथन से रिलेटेड जॉब नहीं मिलती। उसके अलावा अगर मैं पब्लिसिस सेपियंट की बात करूं, अडोबी की बात करूं, मेक माय ट्रिप की बात करूं या फिर पीडब्ल्यूसी की बात करूं, तो मुझे इन कंपनीज में पाइथन से रिलेटेड जॉब्स नहीं मिली। या फिर मैं जब भी यहां पे सर्च करने जाता था या फिर इनके करियर पोर्टल पे एक्सप्लोर करने जाता था तो मुझे वहां पे पाइथन से रिलेटेड जॉब नहीं मिलती थी। मोस्टली वहां पे जावा से रिलेटेड ही जॉब्स मिलती थी। तो उस दौरान मैंने बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करके देखा कि किन-किन कंपनीज में पाइथन से रिलेटेड जॉब्स मिलती हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसी कंपनीज के बारे में बताऊंगा जिनमें पाइथन बहुत ही ज्यादा यूज होती है। और अगर आप कभी भी वहां पे अगर देख लो तो वहां पे करियर पोर्टल पे अगर आप जाओगे तो वहां पे आपको पाइथन से रिलेटेड हमेशा कोई ना कोई जॉब तो डेफिनेटली मिलेगी ही मिलेगी। तो ऐसी कुछ कंपनीज के बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। वेल, 10th कंपनी है ग्लोबल लॉजिक। ग्लोबल लॉजिक के बारे में जिनको नहीं पता मैं उनको ये चीज बता दूं दैट ग्लोबल लॉजिक इज एन अमेरिकन कंपनी जिनके हेडक्वार्टर सैन जोस कैलिफोर्निया में है। उसके अलावा इस कंपनी की फाउंडेशन ईयर 2000 में हुई थी। देन उसके अलावा इसमें 25,000 प्लस एम्प्लॉयज काम करते हैं और ये काफी ज्यादा स्टेबल कंपनी है। उसके अलावा इसको हाल ही में हिताची ने एक्वायर किया है, तो ऑब्वियसली इसकी ब्रांड वैल्यू काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। वेल, ग्लोबल लॉजिक के अगर मैं रेटिंग्स की बात करूं तो ग्लासडोर पर इसकी रेटिंग 3.9 आउट ऑफ 5 है, और अगर मैं लिंक्डइन के फॉलोअर्स बात करूं तो इट्स 4.9 लाख फॉलोवर्स ऑन लिंक्डइन। देन उसके अलावा इसमें मोस्टली पाइथन जेंगो का काम होता है, यानी कि वेब डेवलपर बेस्ड जॉब्स निकलती हैं। तो आप अगर एक वेब डेवलपर हो जो कि पाइथन या फिर जेंगो पर काम करते हैं तो आप ग्लोबल लॉजिक को प्रेफर कर सकते हो अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट कंपनी इज जेडस। ये कंपनी 1983 को फाउंड की गई थी, और देन उसके अलावा इसके हेडक्वार्टर यूनाइटेड स्टेट्स में है, और इसके नंबर ऑफ एम्प्लॉइज अप्रोक्सीमेटली 10,000 के अराउंड है। इसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉइज काफी कम है लेकिन ये कंपनी काफी ज्यादा अच्छी है। इसमें मेरे ऑलरेडी काफी ज्यादा दोस्त काम करते हैं जो कि काफी ज्यादा अच्छे रिव्यूज ही देते हैं। उसके अलावा ये कंपनी काफी ज्यादा स्टेबल है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। जॉब सिक्योरिटी के मामले में भी ये कंपनी काफी ज्यादा अच्छी है। उसके अलावा अगर मैं इसके ग्लासडोर पे रिव्यूज की बात करूं तो इट्स रेटिंग इज 4 out of 5, जो कि काफी ज्यादा अच्छी रेटिंग मानी जाती है। देन उसके अलावा अगर मैं लिंक्डइन पे इसके फॉलोअर्स की बात करूं, इट्स अराउंड 3.3 लाख फॉलोअर्स ऑन लिंक्डइन, जो कि काफी ज्यादा अच्छे नंबर है। ये कंपनी मोस्टली डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग या फिर डेटा साइंस से रिलेटेड जॉब्स पोस्ट करती है। तो अगर आप इनमें से किसी भी फील्ड में इंटरेस्टेड हो तो आप इस कंपनी को प्रेफर कर सकते हैं किसी भी जॉब में अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट कंपनी है EXL सर्विस। ये भी एनालिटिक्स से रिलेटेड कंपनी है जिस तरह से ZS है। देन उसके अलावा ये कंपनी 1999 में एस्टेब्लिश हुई थी। देन उसके अलावा इस कंपनी में टोटली 31,000 प्लस एम्प्लॉयज काम करते हैं। देन उसके अलावा इसके हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में है। उसके अलावा ये कंपनी भी काफी ज्यादा स्टेबल है, और अगर मैं रिव्यूज की बात करूं तो ग्लासडोर पे अगर हम इसके रिव्यू चेक करेंगे देन इट्स अराउंड 3.7 आउट ऑफ 5 रेटिंग। उसके अलावा अगर आप लिंक्डइन पर जाओगे तो इसके 3 लाख के अराउंड फॉलोअर्स हैं। देन उसके अलावा मोस्टली ये जॉब्स ऑफर करती है पाइथन डेवलपर के लिए वो एनालिटिक्स से रिलेटेड ही हैं। डेटा इंजीनियरिंग की जॉब्स हो गई या मशीन लर्निंग की जॉब्स हो गई, तो ऐसी ऐसी जॉब्स में आप अप्लाई कर सकते हो EXL में। नेक्स्ट कंपनी इज मॉर्गन स्टैनली। वेल, मॉर्गन स्टैनली के बारे में तो आप सब लोगों को ऑलरेडी पता ही होगा, इट्स वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कंपनी इन आईटी सेक्टर एंड इन बैंकिंग सेक्टर। उसके अलावा इसके हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में है, और इसकी फाउंडेशन 5 सितंबर 1935 को हुई थी। देन अगर हम रेटिंग की बात करें तो इसकी रेटिंग ग्लासडोर पर 4.1 है, जो कि बहुत ज्यादा अच्छी रेटिंग है। देन अगर मैं लिंक्डइन की बात करूं तो लिंक्डइन पर ही इसके 2.1 मिलियन फॉलोअर्स मिल जाएंगे। और उसके अलावा मैं अगर जॉब्स की बात करूं तो इसमें भी बहुत ज्यादा जॉब्स निकलती हैं पाइथन के मामले में। पाइथन और जेंगो का यहां पे यूज होता है, उसकी जॉब्स काफी ज्यादा निकलती है, और उसके अलावा बिग डेटा से रिलेटेड जॉब्स काफी निकलती हैं मॉर्गन स्टैनली में। नेक्स्ट कंपनी नेम इज FIS। FIS भी काफी ज्यादा स्टेबल कंपनी, और इसमें भी जॉब सिक्योरिटी काफी ज्यादा रहती है। FIS एक फिनटेक कंपनी है। उसके अलावा इस कंपनी की फाउंडेशन 1968 में हुई थी, तो ये काफी ज्यादा पुरानी कंपनी है। ऑब्वियसली जितनी पुरानी उतनी ज्यादा ट्रस्टेबल कंपनी रहती है। उसके अलावा अगर मैं हेडक्वार्टर्स की बात करूं तो इसके हेडक्वार्टर फ्लोरिडा यूनाइटेड स्टेट में मिल जाएंगे। अब मैं अगर रेटिंग्स की बात करूं तो ग्लासडोर
पर इसकी रेटिंग 3.8 है, और अब मैं अगर लिंक्डइन की बात करूं तो लिंक्डइन पर इसके 4.3 लाख फॉलोअर्स मिल जाएंगे, और अगर मैं जॉब्स की बात करूं तो इसमें मोस्टली जॉब्स ऑटोमेशन प्रोसेसेस से रिलेटेड ही होती हैं, कि जिसमें पाइथन का यूज या फिर पाइथन एज ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की तरह यूज कर सकते हैं, तो उसी के रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा जॉब्स निकलती हैं। तो अगर वो आपका इंटरेस्ट है तो आप FIS में अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट कंपनी जेनपैक्ट भी काफी ज्यादा फेमस कंपनी है, जॉब सिक्योरिटी के मामले में भी काफी ज्यादा अच्छी कंपनी मानी जाती है और काफी ज्यादा स्टेबल है, और इसकी फाउंडेशन जो हुई थी वो थी 1997 में, तो काफी ज्यादा ओल्ड कंपनी है। देन उसके अलावा इसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो काम करते हैं वो है 96,500 प्लस, जो कि 2020 का डाटा अगर हम कंसीडर करें तो उसमें इसके इतने एम्प्लॉयज थे, जो कि काफी ज्यादा एम्प्लॉयज हैं। और अगर मैं रेटिंग्स की बात करूं तो वेल ग्रास डोर पर इसकी रेटिंग 3.9 है, जो कि काफी ज्यादा अच्छी है इतनी बड़ी कंपनी के मामले में। और अब मैं अगर इसके लिंक्डइन पर जाकर फॉलोवर चेक करूं तो लिंक्डइन पर इसके फॉलोवर 1.6 मिलियन फॉलोवर हैं। उसके अलावा इसमें जो जॉब्स निकलती हैं वो ज्यादा से ज्यादा कंसल्टेंट बेस्ड ही निकलती हैं। पाइथन कंसल्टेंट रिलेटेड जॉब में अगर आप इंटरेस्टेड हो, वहां पे अप्लाई करना चाहते हो, तो आप जेनपैक्ट में जा सकते हो। नेक्स्ट कंपनी डेलॉइट के बारे में तो आप लोगों को ऑलरेडी पता ही होगा और आपने इसका काफी बार नाम भी सुना होगा अगर आप आईटी वर्ल्ड में काम कर रहे हो। इट इज वन ऑफ द कंपनी फ्रॉम बिग फोर, तो इसके बारे में सब लोगों को ऑलरेडी पता ही होता है। अब अगर डेलॉइट की फाउंडेशन की बात करूं तो ये फाउंडेशन 1845 में हुई थी, जो कि बहुत ज्यादा पुरानी कंपनी मानी जा सकती है, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा स्टेबल है। जॉब सिक्योरिटी के मामले में भी डेलॉइट काफी ज्यादा अच्छी कंपनी मानी जाती है। और अब मैं अगर इसके नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की बात करूं देन इट इज अराउंड 3.5 लाख, जो कि बहुत ज्यादा नंबर माने जा सकते हैं, क्योंकि एक आईटी कंपनी में 3.5 लाख अगर एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं तो वो ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा बड़ी कंपनी होगी। और अब मैं अगर इसकी रेटिंग की बात करूं देन इट इज अराउंड 4 out of 5, जो कि बहुत ज्यादा अच्छी है कंसीडरिंग कि नंबर ऑफ वोट्स, इसके नंबर ऑफ वोट्स भी 70K+ हैं, जो कि बहुत ज्यादा नंबर में इसको वोटिंग की गई है। उसके बाद भी इसकी रेटिंग 4 है, जो कि बहुत ज्यादा कमेंडेबल चीज है। देन उसके अलावा अगर मैं इसके फॉलोअर्स की बात करूं लिंक्डइन पर जाकर देन इट इज अराउंड 9.5 मिलियन फॉलोअर्स, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। और अगर मैं जॉब्स की बात करूं वेल डेलॉइट एक ऐसी कंपनी जिसमें पाइथन के रिलेटेड बहुत ज्यादा डोमेन्स पे जॉब्स आपको मिल सकती हैं, मोस्टली इसमें पाइथन एप्लीकेशन डेवलपमेंट से रिलेटेड जॉब्स ही निकलती है, लेकिन हाँ उसके अलावा भी आप बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर कर सकते हो। ऑब्वियसली इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी, तो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी ऑब्वियसली रहती ही होंगी। नेक्स्ट कंपनी नेम इज फ्रैक्टल एनालिटिक्स। ये कंपनी को मैं तो यही कहूंगा कि इसमें बहुत ज्यादा वाइडली पाइथन यूज की जाती है। अब मैं अगर इसके फाउंडेशन की बात करूं तो ये कंपनी ईयर 2000 में बनी थी इन मुंबई, इसके हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में है। देन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की अगर मैं बात करूं देन 2500 के अराउंड, यानी कि 2500 प्लस के अराउंड इसके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है, जो कि बहुत ज्यादा कम है। वेल इसमें बहुत ज्यादा एम्प्लॉयज तो काम नहीं कर रहे, लेकिन इसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा रैपिडली हो रही है। देन उसके अलावा अगर मैं इसके ग्लास डोर पर रिव्यूज की बात करूं देन इट इज अराउंड 4.1 out of 5, जो कि बहुत ज्यादा अच्छे रिव्यूज माने जा सकते हैं। देन उसके अलावा अगर मैं इसके लिंक्डइन पर फॉलोवर्स के बारे में बात करूं देन इट इज अराउंड 4 लाख फॉलोवर अप्रोक्सीमेटली। और उसके अलावा इसमें अगर मैं जॉब्स की बात करूं तो इस कंपनी में आपको पाइथन से रिलेटेड जॉब्स हमेशा दिखती ही रहेंगी। देन उसके अलावा मोस्टली इसमें एक्चुअली बैकएंड डेवलपर या फिर मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड जॉब्स देखने को मिलती हैं। ये एक ऐसी कंपनी जिसको मैं ये चीज कह सकता हूं कि पाइथन का हब है, कि अगर आपको पाइथन से रिलेटेड कुछ भी आता होता है तो आप इसी के करियर पोर्टल पे चले जाइए, आपको कोई ना कोई वैकेंसी डेफिनेटली मिल जाएगी जहां पे पाइथन का यूज हो रहा हो। तो अगर आपको पाइथन से रिलेटेड कुछ भी आता है तो मैं आपको यही चीज कहूंगा फ्रैक्टल को एक बार एक्सप्लोर जरूर करके देखिए। नेक्स्ट कंपनी केपीएमजी। वेल केपीएमजी के बारे में भी आपको पता ही होगा, इट्स वन ऑफ द कंपनी फ्रॉम बिग फोर लाइक डेलॉइट, तो इसमें भी आपको बहुत ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। उसके अलावा ये कंपनी काफी ज्यादा स्टेबल है और जॉब सिक्योरिटी के मामले में भी काफी ज्यादा अच्छी मानी जाती है। उसके अलावा इस कंपनी की फाउंडेशन 1987 में ही हुई थी, तो काफी पुरानी कंपनी ये मानी जा सकती है। देन अगर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की बात करें देन इट इज अराउंड 2.5 लाख, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा अमाउंट माना जा सकता है। उसके अलावा अगर मैं ग्लास डोर पर इसकी रेटिंग्स की बात करूं देन इट इज अराउंड 3.8 out of 5 रेटिंग, जो कि अगर मैं वोट्स को कंसीडर करूं 42K वोट्स, जो कि बहुत ज्यादा है, उसके कंपैरेटिव में 3.8 रेटिंग काफी ज्यादा अच्छी मानी जा सकती है। और अब मैं अगर लिंक्डइन की बात करूं तो लिंक्डइन पर आपको केपीएमजी के 2.4 मिलियन फॉलोवर देखने को मिल जाएंगे। और अगर मैं जॉब्स की बात करूं देन एनालिस्ट या फिर कंसल्टेंट रिलेटेड जॉब्स जो होती है पाइथन जहां पर यूज होती है, उससे रिलेटेड काफी ज्यादा जॉब्स आपको केपीएमजी में देखने को जरूर मिलती है। एंड द फर्स्ट कंपनी इज जेपी मॉर्गन। जेपी मॉर्गन भी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर कंपनी है, और मॉर्गन स्टैनली के जैसे ही ये भी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी है, जो कि पाइथन से रिलेटेड बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है।
उसके अलावा अगर मैं इसके ग्लास डोर के रिव्यूज की बात करूं देन इट इज अराउंड 4 out of 5 जो कि बहुत अच्छा नंबर है। और अब मैं अगर इसके लिंक्डइन पे फॉलोअर्स की बात करूं देन इट इज अराउंड 2.9 मिलियन फॉलोअर्स जो कि बहुत ही ज्यादा नंबर है। और अब मैं अगर इसमें जॉब से रिलेटेड बात करूं देन जेंगो से रिलेटेड इसमें बहुत ही ज्यादा जॉब्स हमें देखने को मिलती है। वेब डेवलपर, फुल स्टैक डेवलपर, बैकएंड डेवलपर से रिलेटेड इसमें बहुत ही ज्यादा जॉब्स आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आप एक वेब डेवलपर हो तो मैं आपको यही कहूंगा कि जेपी मॉर्गन में एक बार जरूर ट्राई करके देखिएगा, इसमें पाइथन वो काफी ज्यादा यूज की जाती है। एंड इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो देन इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी के साथ मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस आप तक और भी लेके आ सकूं। धन्यवाद।